पासपोर्ट वेरिफिकेशन फेल हो गई है, दिमाग खराब हो गया, एक छोटे शब्द के चक्कर में मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन लेकिन नहीं हुआ। बात कुछ ऐसी है, कुछ दिनों पहले मैंने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था और मुझे 28 अप्रैल की डेट मिली है, तो फिर मैं आज जा रहा हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र और मेरी करंट लोकेशन है इस समय न्यू दिल्ली। तो पहले मैं यहाँ से आऊँगा मोहन नगर के बाद फिर निकलते हैं हम गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस। तो फिर चलिए चलते हैं। स्टेशन पे और मैं यहाँ से जाऊँगा अपनी सिस्टर के घर जहाँ पे मैंने सारे के सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख रखे हैं। तो पासपोर्ट सेवा केंद्र जाना है तो वहाँ पे मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे, तो मैं यहाँ से अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके निकलता हूँ पासपोर्ट सेवा केंद्र यानी गाजियाबाद की ओर। तो फिर चलिए चलते हैं। ये जी अभी समय हुआ है 11:05 और मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सिस्टर के घर पर और बाहर बहुत ज़बरदस्त गर्मी है, सूर्य देवता ने अपना कहर पूरा बरपा रखा है और काफ़ी दिनों के बाद मुझे अपनी सिस्टर के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा और खाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से निकलूँगा गाजियाबाद यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र। और मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट यहीं रखे हुए थे और तो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेने के बाद अब फिर निकलते हैं पासपोर्ट सेवा केंद्र और अभी फ़िलहाल खाना खाते हैं और थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं। तो फिर वेट करो आप। भैया जी आप सामने देख रहे हैं मेरे हाथ में मिडिल क्लास लड़के का ट्राईपोड जो कि आज मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ यानी कि आज मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ और नवनीत तो गया हुआ है अपने ऑफिस तो फिर मैं इसको आज लेके चलता हूँ क्योंकि मेरे ट्राईपोड तो सारे मेरठ में रखे हुए हैं तो आज मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। तो फिर चलिए चलते हैं। ये अपना खाना पीना और रेस्ट हो चुका है और डॉक्यूमेंट मैंने जो कि ओरिजिनल अपने ले लिए हैं और अभी मैं निकलूँगा कौसाम्बी के लिए। और बाहर की बात करूँ तो बाहर बहुत ज़बरदस्त धूप है यानी कि सूर्य देवता अपना कहर पूरी तरीके से बरपा रहे हैं। तो फिर चलिए निकलते हैं कौसाम्बी की तरफ। भैया जी मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं एक बार फिर से जौहरी एन्क्लेव मेट्रो स्टेशन पे और यहां से मैं निकलूंगा कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन के लिए। तो फिर चलिए चलते हैं। मैं यहाँ पे हूँ जौहरी एन्क्लेव पे और मुझे जाना है यहाँ पे कड़कड़डूमा से होते हुए कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर। इस वक्त पहुंच चुका हूं कौसाम्बी मेट्रो स्टेशन पे और यहां से मैं ऑटो के थ्रू जाऊंगा पासपोर्ट ऑफिस। तो फिर चलिए चलते हैं। मैं इस वक्त बैठ चुका हूं रिक्शे में और ये रिक्शे वाले भैया मुझसे 30 रुपए चार्ज करेंगे और मुझे पासपोर्ट ऑफिस छोड़ देंगे। तो फिर मिलते हैं आपको पासपोर्ट ऑफिस। ताने पे ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त पासपोर्ट ऑफिस के सामने और 2:30 से मेरी अपॉइंटमेंट है और इस समय 2:23 हो रहे हैं। तो फिर चलिए अंदर की ओर चलते हैं और अपना पासपोर्ट की वेरिफिकेशन कंप्लीट कराते हैं। 2000 years later. दिमाग खराब हो गया, एक छोटे शब्द के चक्कर में मेरा पासपोर्ट वेरिफिकेशन बेकार हो गया यानी कि नहीं हुआ। ऐसे तो नहीं होता है। अब मुझे नेक्स्ट वेरिफिकेशन जो है 4 तारीख की मिली है और करेक्शन करा के दोबारा से यहाँ आना पड़ेगा 4 तारीख को। और दूसरी बात ये मैं अपना चार्जर और अपना बाकी सामान अपनी सिस्टर के घर भूल के आ गया हूँ यानी कि वहाँ छोड़ के आ गया था कि मैं वापस वहाँ जाऊँगा। अब मुझे ये करना पड़ेगा दोबारा से सिस्टर के घर जाना पड़ेगा वहाँ से अपना बैग वगैरह लेके मेरठ की ओर निकलना पड़ेगा क्योंकि करेक्शन करानी है तो मुझे अपने घर जाना पड़ेगा मेरठ
और वहाँ से करेक्शन कराने के बाद दोबारा से मुझे 4 तारीख को यहाँ अपॉइंटमेंट मिला है, दोबारा यहाँ आना पड़ेगा 4 तारीख को। तो फिर चलिए, फिर अब चलते हैं, मिलते हैं आपको। ख़त्म।